अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है हम लोगों का। अच्छा बेटा, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो शेप का था। तो अगर किसी बच्चे ने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर इसे देख ले, इंशाल्लाह आराम सुकून से उसे सारे ऑप्शन समझ आ जाएंगे जो शेप से रेलिवेंट थे, जो मैंने आप लोगों को समझाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल का। टेबल किसे कहेंगे, तो ये देखो यहाँ नज़र आ रहा है टेबल, आप इस पर क्लिक करते हो, ये देखो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। अगर और से देखें तो स्क्रीन के ऊपर ऐसे बॉक्स बने, ये एक डिब्बा बन गया, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इस तरीके से जो बॉक्स बनते जा रहे हैं इसे हम कहते हैं कॉलम। दोबारा फिर कोशिश करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में चलेंगे, जहाँ शेप्स हम लोगों ने इस्तेमाल की थी उससे पहले यहाँ पर देखो टेबल बना हुआ आ रहा है। तो जितने कॉलम बनाने बना लें, नीचे की तरफ लेकर आएंगे रोज़ बढ़ती जाएंगी, देखो रोज़ बढ़ रही हैं, ठीक हो गया। तो रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन जो होता है वो टेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ से आके इस जगह के ऊपर, ये मेरा एक कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है, ये मेरा तीसरा कॉलम है, ये इस तरीके से चौथा कॉलम है। आप इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट को मैंने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर पूरे स्पेलिंग लिखने तो लिख लें, वरना एनओ कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल नंबर। तो अगर रोल नंबर की बात की जाए तो रोल नंबर की तो जगह हमें कम चाहिए, तो इसको यहाँ से पकड़ते हैं, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। तो अभी देखो नेम के लिए काफ़ी जगह हमें मिल गई है। सेम इसी तरीके से आप कहते हैं भाई जगह कम है मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से पकड़ें, क्लास का कॉलम छोटा कर दें। तो अब ये देखें, ये कॉलम काफ़ी लेंथी हो गया हुआ है, जबकि ये कॉलम उतना लेंथी नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, इंसर्ट में चलेंगे, टेबल में चलें, यहाँ से आप लाइनें सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी लाइनें चाहिए, और इधर से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। देखो कॉलम बढ़ते जाएंगे, ये ना जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, लाइनें भी और कॉलम भी, ये बॉक्सेस की शक्ल में हम नज़र आ रहे हैं, इन्हें सेलेक्ट करते जाएँ बेटा, कॉलम बढ़ते चले जाएँगे। तो चलें, इस तरीके से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं जी, वापस आते हैं इंसर्ट में, टेबल में। इस दफ़ा हमें यहाँ से नहीं सेलेक्ट करना, बल्कि ये लिखा रहे हैं इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पे चले जाओ। यहाँ लिखा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं इसे 10 कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोस मैं इसे 4 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ, ये चलो 6 हो गया, ओके करते हैं। तो ये देखो कॉलम नंबर 1 एक कॉलम है, नंबर 2 दूसरा कॉलम है, तीसरा, चौथा, ऐसे 10 कॉलम आ गए हैं। और लाइनों की तादाद कितनी हो गई है, वो भी 6 लाइनें आ गई हैं। आप कहते हैं नहीं सर, मुझे कॉलम घटाने हैं, लाइनें बढ़ानी है, कोई मसला नहीं। इंसर्ट में चलेंगे, शेप में चलेंगे, यहाँ से आ जाएँ, कॉलम आप कह देते हो 6 हो गया और लाइनें आप कह देते हो 10 हो गया, ये लो ओके करेंगे। अभी देखो 6 कॉलम आ रहे हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इसी तरीके से और भी हैं। तो अब आपकी मर्जी है, जितना चाहे टेबल बनाते चले जाएं। तो इंसर्ट में चलेंगे, टेबल में चलेंगे, या तो इधर से टेबल बना सकते हो, नहीं तो फिर इधर से आगे सेलेक्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, वह है ड्रॉ टेबल, इसे क्लिक करो। यहाँ से आगे पेंसिल टूल की मदद से आप एक बॉक्स बनाया आपने, आप कहते हैं जी एक कॉलम मुझे इस जगह पर चाहिए, फिर कहते हैं एक कॉलम इधर चाहिए, फिर कहते हैं एक कॉलम इधर चाहिए, और फिर कहते हैं यहाँ पर लाइन होनी चाहिए इस जगह पर ना, और फिर कहते हैं इसके भी टुकड़े कर रहे हैं मैंने, यहाँ से आ गए। तो ये पेंसिल टूल आपके पास है, जैसा दिल चाहे वैसे टेबल बनाएं आप। इसके भी टुकड़े करने हैं आपने, यहाँ से आए, ये देखो टुकड़े हो गए, इसका मजीद टुकड़ा करना है, ये देख लो, अपनी मर्जी से जैसा दिल चाहता है वहाँ पर लाइन लगाएं। आगे चल के आप कहते हैं सर मुझे लाइन का कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ, जैसे मैं रेड ऑप्शन कर लेता हूँ, अभी रेड लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर मुझे लाइन का कलर नहीं, उसकी थिकनेस भी बढ़ानी है, यानी मोटी लाइन आनी चाहिए, तो यहाँ से आ जाओ, ये देखो लाइन की थिकनेस बढ़ रही है। तो ये देखो पहले से लगी हुई लाइन के ऊपर से दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कलर और थिकनेस उसकी चेंज कर देगा, और अगर नई जगह पर क्लिक करोगे तो वो नई लाइन बना देगा। ये देखो इस जगह पर मुझे लाइनें चाहिए, ये देख लो इस तरीके से, यहाँ नया कॉलम बन गया, मैं चलो एक नया टेबल बना देता हूँ। यहाँ से आ गए, ये देखो एक नया टेबल आ गया, हाइट भी इसकी सेट कर लेते हैं, एक कॉलम इधर होना चाहिए, एक कॉलम इधर होना चाहिए, एक कॉलम इधर होना चाहिए। फिर क्या करें जी, इस जगह पर एक कॉलम आ जाए, इसके साथ एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का टेबल बनाना चाहते हैं, उस तरह से लाइनें आप इस पर ड्रॉ कर सकते हो। देखो बड़ी आसानी के साथ लाइनें बनती चली जाएंगी। अब यहाँ से भी टुकड़े किए जा सकते हैं, देखो ये अगर फर्दर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो, ठीक हो गया। यहाँ से लाइन एक और ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, कलर चेंज करना, मैंने आपसे कहा यहाँ से आगे कलर चेंज कर सकते हो,
जैसा दिल चाहे वैसी लाइन ड्रॉ कर देगा ये, यहाँ से लेकर लास्ट तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी, देखो वैसे भी हो गया, ठीक है। ये अपनी मर्जी से हम लोग कर सकते हैं। आप कहते हैं सर ये क्या ऑप्शन है, तो ये स्टाइल्स हैं। जैसे डॉट वाली लाइन चाहिए, यहाँ से आगे इस जगह पर डॉट वाली लाइन चाहिए मुझे, तो देखो डॉटेड लाइन बन गई हुई है। इस जगह से डॉटेड लाइन चाहिए, बहुत बारीक लाइन है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। अब ये देखें डॉट्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आप कहते हैं नहीं इसे डॉटेड नहीं चाहिए, डैश लाइन चाहिए, जिसमें माइनस या हाइफन के साइन जैसा होगा, इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये लो अब इसे ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखो इस किस्म का ऑप्शन ये हमें दिखा रहा है। मजीद भी इसके अंदर ऑप्शन है ये सारे। जैसे मुझे डबल लाइन चाहिए, तीन लाइनें चाहिए, एक लाइन मोटी एक लाइन बारीक चाहिए, तो देख लो जैसा आपका दिल चाहिए वैसी लाइन ड्रॉ करता चले जाएगा। ये देखो नया टेबल बना लेते हैं, यहाँ आ गए, ये देखो टेबल बना, वही लाइनें, वही स्टाइल, वही साइज, कलर भी चेंज करेंगे तो वही कलर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये देखें तो कितना आसान हो गया लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। इसी तरीके से ये रेजर है मेरे पास, अरेज करने से लाइन को मिटा दो, ये देखो मिटा दिया मैंने, इसको भी मिटा दो, इधर से भी आ जाते हैं, ये सारा बॉक्स दरमियान से खाली कर दो, वो देखो खाली कर दिया उसने, ये सारा खाली कर दो, क्लिक करो इसे, ये देखो ये सारा खाली कर दो, ये उसने खाली कर दिया। इसी तरीके से जो बना हुआ था ना इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। मैं कहता हूँ जी ये सारा खाली कर दें इधर से, वो देखो खाली हो गया, इन सबको मिटा दो, ये खाली कर दो, ये लो मिट गया। सेम इसी तरीके से इन सबको मिलाकर एक कॉलम बना दो, तो देखो मिल गया। इस तरीके से इनको मिटा दो, ये देख लो। तो पहले से बना हुआ जो हमने चाहे वो इंसर्ट किया था चाहे ड्रॉ किया था, इसे फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, रेजर को उठाना है और रेजर की मदद से किसी भी लाइन को आप रेज कर सकते हो, बड़ा ही आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखो आपने इसे रेज इस तरीके से कर दिया हुआ है, तो यहाँ से रेज किया जा सकता है। इस तरीके से ड्रॉ पर क्लिक करेंगे, ये देखो पेंसिल आई हुई है, फिर दोबारा से रेजर पे क्लिक करेंगे, पेंसिल चली गई, रेजर आ गई, देखो ये ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, पेंसिल टूल वापस आ गया होगा। यहाँ से इसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा दिल चाहे वैसी लाइन उठा लें। यहाँ से हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, जैसा चाहें वैसे थिकनेस कर लें। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और ये शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं अलग टेबल पर अप्लाई करके देता हूँ। इन सबको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, डिलीट का बटन दबाया मैंने, सब डिलीट हो गए। तो अब क्या करेंगे, इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ से आके एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, यहीं से कर लें बेशक, कोई मसला नहीं है, हमें तो अप्लाई करना है शेडिंग को। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं चाहता हूँ, अच्छा ये यहाँ से भी कॉलम छोटे बड़े हो सकते हैं, देखो टेबल का साइज़ बड़ा हो गया, साथ ही कॉलम की हाइट विड्थ भी हो गई, इसको भी इधर से सेट किया जा सकता है, ये देखो इस तरीके से। तो जैसे दिल चाहे आप इसे पकड़ें, टेबल को साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है, ये देखो इस तरीके से ना। मजीद में क्या रहा था, इसकी शेडिंग वगैरह चेंज करनी, जैसे मैं मुझे चाहता हूँ ये हेडिंग के तौर पे एक नई लाइन अच्छे स्टाइल में आ जाए, तो ये देखो शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं रेड कर देता हूँ, चलो ये वाला कलर कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, लाइट ग्रीन कलर कर देते हैं, लाइट ग्रीन, चलो ये वाला कलर कर देते हैं। तो अब ये देखो टेबल का कलर मैंने चेंज कर दिया हुआ है। आप कहते हैं सर लाइन का कलर मुझे चेंज करना है, तो इसको सेलेक्ट करो सारों को, यहाँ से ये बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इधर से आके बॉर्डर अप्लाई कर दें, बॉर्डर वही आएगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा। जैसे डॉटेड सेलेक्ट किया हुआ है तो ये डॉट वाला आ जाएगा, कलर आपने रेड किया हुआ है तो ये रेड कर लो पहले इसे रेड, अब ये रेड वाला बॉर्डर अप्लाई करवा देगा, ये देख लो। आप कहते हैं सर डॉट वाला अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं है भाई, यहाँ से आ जाए, ये देखो डबल लाइन वाला मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आगे बॉर्डर में अप्लाई करता हूँ, देखो सारी तरफ बॉर्डर वैसे ही बनकर आ गया हुआ है। इन सारों को मिलाकर हम टेबल एक अच्छा सा बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये बने बनाए पैटर्न है, हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो ये जैसा आपको अच्छा लगता है इसको सिलेक्ट करो, इतना अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, नीचे ले आए, ये देखो ये ऑप्शन ठीक है। ये देखो एक लाइन में कलर आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, एक लाइन में कलर आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, इस तरीके से ये बेहतरीन सा स्टाइल बना बनाया आ गया। आप खुद भी बना सकते हो ऐसा, लेकिन ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। इनको अप्लाई करके देख लीजिएगा, शायद आपको इनमें से कोई कलर अच्छा लग जाए आप वो अप्लाई कर लें। वैसे शॉर्ट में जल्दी से अप्लाई करना चाहें तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अपनी मर्जी से इंडिविजुअल को भी सेट किया जा सकता है, ठीक हो गया। सेम इस तरीके से थोड़े से ऑप्शन और हैं टेबल के, जल्दी से उनको भी कवर कर लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ अगर मैंने लिखा है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
मैं आप लोगों को काउंटिंग नहीं सिखा रहा कि आप कहें कि गिनती शायद लिख रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। यहाँ से एट वाला कॉलम मैंने खाली कर लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको इफेक्ट होता हुआ नज़र आए। तो जो एट मैंने रेज किया ना, कर्सर को मैंने वहाँ रखा है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो ऑप्शन आ रहे हैं इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम, एक नया कॉलम इंसर्ट करो। कहाँ करो, लेफ्ट साइड पर। ये देखो जो एट वाला सेल हमने खाली किया था ना, उसकी लेफ्ट साइड पर पूरा एक नया कॉलम बन गया है। इसको मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ, ये देखो वापस भेज दिया मैंने। वापस आते हैं इधर, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, नया कॉलम इंसर्ट करो, किस साइड पे, राइट की साइड पर। अब ये देखो यहाँ पर आ गया हुआ है। सेम इसी तरीके से मैं इसे अंडू करता हूँ, वापस आते हैं, इंसर्ट रो, लाइन इंसर्ट करो, कहाँ पर, अबव, अबव मतलब ऊपर की तरफ। ये देखो इस कॉलम के ऊपर एक नई लाइन बन गई है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। सेम इस तरीके से राइट क्लिक किया आपने, इंसर्ट बिलो, बिलो मतलब नीचे की तरफ एक नई लाइन इंसर्ट कर दो। देखो नई लाइन इस एट वाले सेल के नीचे बन गई, इसके नीचे देखो पूरी लाइन बन गई हुई है। चलो अच्छी बात है, तो इसे भी मैं अंडू कर देता हूँ। वापस आता हूँ, आकर मैं कहता हूँ इंसर्ट सेल, एक सेल इंसर्ट करो, कहाँ पर करना है वो उसकी मर्जी है, वो उस जगह पर, बल्कि पूछ रहे हैं हमसे कि राइट साइड पे करना है, बाकी क्या करो। मैं कहता हूँ भाई डाउन कर दो, या फिर हम ऐसे करें बाकी सेल जो होंगे राइट की साइड पे शिफ्ट कर दो। ये देखो उसने वहाँ से उठाकर राइट की साइड पे शिफ्ट करके वहाँ एक नया सेल बना दिया है। मैं काम करता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी घटा लेता हूँ। अब आते हैं इस जगह पर, दोबारा इंसर्ट करता हूँ मैं, इंसर्ट सेल, और यहाँ से आकर राइट की तरफ भेज दें। अब ये देख लो उतना सा डिब्बा उसने नया क्रिएट कर दिया हुआ, बाकियों को लेफ्ट साइड पे उसने शिफ्ट कर दिया हुआ है। आप ये 11 वाले में भी कर सकते थे, राइट क्लिक किया, इंसर्ट सेल, बाकियों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। वो देखो 11 वाला आगे शिफ्ट हो गया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब रो को अबव करना है, बिलो करना है, कॉलम को लेफ्ट करना है, राइट करना, अब ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक हो गया, इस तरीके से मैं आता हूँ, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये इंसर्ट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। चलो यहाँ से आके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास टेबल है, मैं आया यहाँ पर, आगे मैंने लिखा बच्चे का रोल नंबर, रोल नंबर, नंबर सिंबल डाल दिया मैंने। यहाँ पर आके मैंने कहा बच्चे का नेम, यहाँ क्या कहा मैंने बच्चे की क्लास, और यहाँ कहा जी उसके मार्क्स, और यहाँ कहा जी उसका सेल नंबर, सेल नंबर, ठीक है ना। अब इसमें से कोई कॉलम ऐसे हैं जो मुझे ज़्यादा बड़े चाहिए, कोई चाहिए कम, जैसे रोल नंबर वाला कम भी चलेगा, ये देखो इतना कर देता हूँ मैं। क्लास वाले को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मार्क्स वाले को भी कम कर लेते हैं थोड़ा सा ना, सेल वाले को बल्कि थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था हमें, ताकि सेल नंबर फ़ोन नंबर आराम से आ जाए। ये डॉलर सिंबल नहीं होना चाहिए था, नंबर सिंबल होना चाहिए था, या नंबर लिख लो आप इसके अंदर। तो नेम के लिए मैंने ज़्यादा जगह छोड़ दी है। अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट ग्रुप मैंने कहा 101 अहमद, क्लास MCS, मार्क्स 98, सेल नंबर कोई भी तो लिख देते हैं ये लो। इस तरीके से मैं कहता हूँ रोल नंबर 102, नाम सलीम, क्लास BScS, मार्क्स 99, फ़ोन नंबर कोई भी। अब इसके बाद नीचे मुझे एक बच्चे का और रिकॉर्ड ऐड करना, तो क्या करें। तो बेटा टैब की आप लोगों को मैंने समझाया था, ये बटन यहाँ पर बना हुआ टैब की से दबाते हैं, देखो एक नया कॉलम एक नई रो बन गई, एक और दबाएं, ये देखो आप इसे दबाते जाएं नई लाइनें बनती चली जाएंगी। तो जितना लाइनें आपने क्रिएट करनी है, जैसा टेबल होगा, जैसे ये टेबल था ना उसके मुताबिक ये ड्रा होगा, कोई और टेबल बनाएंगे उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिक लाइन जो होगी वो इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए बेटा, हम लोगों ने इंसर्ट मेन्यू से आकर पढ़ा क्या, शेप इंसर्ट की जा सकती है, टेबल इंसर्ट किया जा सकता है। वैसे टेबल एक और भी होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक्सेल की शीट को देखेंगे। इंसर्ट में चलें, टेबल में चलें, यहाँ पर आ जाएं, ये लिखा आ रहा है एक्सेल शीट यहाँ पर। वैसे एक क्विक टेबल का ऑप्शन भी है, लेकिन अभी फिलहाल एक्सेल शीट को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लगता है टेबल बना हुआ आ गया, ये टेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है ये। जैसे यहाँ पर आकर दो दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ, देखो एक्सेल में ओपन हो गया। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है ये एक्सेल भी ना, इसको देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ, चलो 1 यहाँ 10 कर देता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे लेकर जाता हूँ, ये सीरीज बना देगा। तो चलो इतनी अच्छी सीरीज नहीं बनी क्योंकि घटा दी हमने, दोबारा मिटाते हैं इसको, क्या करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, यहाँ मैं लिखता हूँ 10, इन दोनों को सेलेक्ट करो, नीचे ले चलो, ये देखो
इनका सम करना है, इनको सेलेक्ट करो, यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन होगा, देखो क्लिक किए, देखो ऑटो सम इसने कर दिया हुआ है। तो बड़ी स्पीड से अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल की शीट चाहिए होती है प्रोसेसिंग करने के लिए, सेपरेट शीट होती है, उसको हम वहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लगता है जैसे ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल नहीं है बेटा, ये एक्सेल की शीट है। हम ये भी यहाँ पर आकर इंसर्ट कर सकते हैं। मजीद ये कि इंसर्ट में जाएं, टेबल में जाएं, ये क्विक टेबल है, पहले से बना बनाया ठीक करेंगे। देखो जैसे कैलेंडर नहीं होता, वो हमें बना कर दे दिया हुआ है। हाँ लाइनें इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, आप लाइनें चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हो, हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है। ये देखो क्लिक किया, ये इसने कॉलम ऐड कर दिए हमें। आप कहते हैं कलर चेंज करना है, ये सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से आकर भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लो टेक्स्ट का कलर अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, यहाँ से आकर हम इसका कलर चेंज करके वाइट कर देते हैं। ये लो ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप कहते नहीं मुझे इन टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आकर आप कहते रेड बनाना है। ये लो आप कहते इसका स्टाइल भी चेंज करना है, तो यहाँ से आ जाएं स्टाइल चेंज कर लें। तो ये सारा काम हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोई मसले की बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन बहरहाल क्विक टेबल भी बनाना कोई मसले की बात नहीं, आसानी से बनाया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक था बेटा हमारा टेबल का था, हमने टेबल कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। तो बेटा जो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर देता हूँ, जो बच्चे फिजिकल मेरे पास आ रहे हैं उनको तो बेटा मैं समझा ही दूंगा अगर परेशानी हुई तो, लेकिन जो बच्चे घर में बैठकर वीडियोस के साथ इसे सीखना चाहते हैं तो बेटा कोशिश किया करें, एक दो दफ़ा वीडियोस देख लिया करें, उसके बाद परफॉर्म किया करें, और लाजमी परफॉर्म किया करो। अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको बेटा कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।